गाइस मैं आज आपको गोरी बिज्जा क्रीम की पहचान बता रही हूँ कि ओरिजिनल कौन सी होगी, मेड इन इंडिया या मेड इन पाकिस्तान, इन दोनों में से कौन सी ओरिजिनल होगी जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ रहेगी। तो गाइस आप शुरू से लेकर एंड तक इस वीडियो को जरूर देखिए। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है ना, प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर देना ताकि मैं जब भी ब्यूटी के रिलेटेड वीडियो अपलोड करूँ उसकी तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल सके उस वीडियो की और आप इस वीडियो को देख सकें। गाइस आपको पता ही होगा कि गोरी क्रीम में बहुत सारी डुप्लीकेट कॉफी आती है, लेकिन पहले ये एच फार्मेसी की आती थी क्रीम, लेकिन अब गोरी कॉस्मेटिक प्राइवेट लिमिटेड ऐसे करके ये क्रीम अब आ रही है जिसपे नाम लिखा रहता है मेड इन पाकिस्तान, और जो हमारी इंडिया में अभी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है ना उस पर ही ऐसा ही गोरी कॉस्मेटिक नाम करके लिखा रहता है, लेकिन मेड इन इंडिया करके नाम लिखा रहता है गाइस। लेकिन ये जो हमारी इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग हो रही ना ये क्रीम, ये सब डुप्लीकेट क्रीम है, क्योंकि ये पाकिस्तान का ही ब्रांड है, पाकिस्तान का ही प्रोडक्ट है, जो कि 100% ओरिजिनल। अगर आपको चाहिए ना तो आप कंपनी सेलर लोगों के पास से एक प्रोडक्ट खरीदे गोरी का, और आज से आपको 100% ओरिजिनल ही मिलेगा और आपको जल्दी रिजल्ट आएगा और आपकी स्किन भी ख़राब नहीं होगी। गाइस अगर आपको गोरी क्रीम लगानी भी है ना अपनी स्किन पे, तो आप ओरिजिनली बाय करें, डुप्लीकेट बाय ना करें। डुप्लीकेट क्रीम में स्टोराइड डाला हुआ है जो कि आपकी स्किन के लिए बिल्कुल सेफ नहीं है, आपकी स्किन पूरी ख़राब हो जाएगी गाइस। अगर आपको ओरिजिनल क्रीम चाहिए ना तो नीचे मैंने कंपनी ऑफिशियल सेलर का नंबर दिया है, वहाँ से आप कांटेक्ट करें, वहाँ से आपको गोरी का ऑल प्रोडक्ट भी मिल सकता है और कुछ डिस्काउंट भी मिल सकता है। गाइस अगर आपको गोरी क्रीम यूज करनी है ना तो आपको नाइट में ही क्रीम को यूज करना है, फेस धो के स्किन पर इस क्रीम को अपनी स्किन पे अप्लाई करना है और छोड़ देना है, और सुबह गुनगुने पानी से धो लेना है। इसमें जितनी इंग्रेडिएंट डाले वो हर्बल है, इसमें जो मेन इंग्रेडिएंट्स है लाइकोपिन जो कि आपके शरीर को जाके मेलानिन को कम करता है, और आज साथ में आपकी स्किन वाइटनिंग होती है गाइस। इसमें मेन इंग्रेडिएंट्स है लाइकोपिन जो कि आपकी स्किन वाइटनिंग करता है। जिस क्रीम में लाइकोपिन इंग्रेडिएंट्स रहता है ना गाइस वो क्रीम जल्दी फेयर बनाती है, लेकिन इसमें ऐसे हार्मफुल इंग्रेडिएंट्स नहीं है ओरिजिनल क्रीम में। लोग बोलते हैं कि स्टोराइड मलकरी ऐसे करके गोरी में डाले, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, जो डुप्लीकेट क्रीम है उनमें ये सब इंग्रेडिएंट डाले है, ओरिजिनल क्रीम में हर्बली इंग्रेडिएंट डाले गाइस। अगर स्टोराइड वाले इंग्रेडिएंट डाले होते ओरिजिनल क्रीम में तो लोगों को साइड इफेक्ट हो जाता, डुप्लीकेट क्रीम का साइड इफेक्ट हो रहे हैं लोगों को, ओरिजिनल क्रीम का कोई साइड इफेक्ट नहीं है, क्योंकि मैंने 3 साल से इस क्रीम को यूज कर रही हूँ और अभी भी मैं ये क्रीम को यूज कर रही हूँ गाइस। मेरी स्किन पर कोई साइड इफेक्ट नहीं दिखा, इसीलिए मैं कह रही हूँ कि आप भी ओरिजिनल बाय करें और आप भी अपनी स्किन वाइटनिंग करें, जो कि बिना साइड इफेक्ट के आपकी स्किन अगर फेयर हो रही है तो आप बिल्कुल इस क्रीम को ट्राई करें गोरी ओरिजिनल। लेकिन आपको ओरिजिनल बाय कहाँ से करें तो मैंने नंबर दिया है, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करें। अगर आपको ओरिजिनल और डुप्लीकेट की पहचान नहीं है तो वहाँ से आपको वो भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज की वीडियो बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।